चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद। प्रत्याशी के साथ भाजपा के समर्थित पदाधिकारी यहाँ नामांकन दर्ज का उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सर्वप्रथम वरिष्ठ नेता रमाकांत जी शर्मा। रमाकांत जी नमस्कार, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत आत्मविश्वास है। सलूम्बर में हम वोट बनाएंगे नगर पालिका का। अभी हमने कांग्रेस के प्रत्याशी से चर्चा की, उन्होंने बताया कि भाजपा कभी जीती नहीं है और आपसी कांग्रेस की फूट की वजह से आज तक काबिज रही, इस पे आप क्या? हमारी पार्टी में किसी तरह कोई फूट है नहीं और छह साल से हमने इतिहास बनाया और सातवीं बार हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो टिकट वितरण को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं मतलब अनदेखी हुई, ऐसा कोई अनदेखी नहीं है। ये तो हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसलिए मिल बैठ के हम सुलझा लेंगे। ये तो छोटा मोटा लोकतंत्र में चलेगा ऐसे ही। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? विकास तो खूब हुआ ना अभी बीजेपी का, 7-6 साल में कम विकास हुआ है। सलू उधर गांधी चौक में गार्डन बोल रहा है, तालाब पे गार्डन बोल रहा है, बिल्डिंगें बोल रही है, रोडें बोल रही है, सड़कें बोल रही है, विकास तो खूब हुआ है। पर उसी विकास को लेकर कहीं अंतकलह भी नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? छोटा मोटा विवाद तो चलेगा भाई साहब, कोई खास बात नहीं है। ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये विपक्ष का आरोप है। बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। बात करेंगे प्रभुलाल जी जैन साहब से। नमस्कार प्रभुलाल जी। नमस्कार सर। बताइए आपको, हाँ सर, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं अपने वार्ड पर? वार्ड में हमारा विकास सबसे पहला प्राथमिकता है और जेल प्रेजल सबसे सुविधा है, जिसको शुद्ध जल मिले सलूम्बर में और पाइपलाइन पूरी चेंज की जाए सलूम्बर में, ये हमारा पूरा है एजेंडा। और एक हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था सुविधा दी जाए, आम लोगों को मतलब उदयपुर नहीं पहुंचना पड़े बार बार। सर हम अपने वार्ड की बात करें, सलूम्बर तो जो बोर्ड बनेगा वो जैसे विकास की चर्चा हम उनसे करें, अपने वार्ड में क्या नया बजट, क्या नया चीज लेके आएंगे? हमारा जो नया वार्ड बना है अभी 2 नंबर, उसमें नाली सड़क जो अभी तक उपलब्ध नहीं उनको पूरे उपलब्ध मूलभूत सुविधा करवाएंगे। दूसरा उसमें पाइपलाइन डलवा के सबको नल में पानी पर भिजवा के सबको पानी की सुविधा भिजवाएंगे, ये हमारा पूरा लक्ष्य है। और सातवीं बार भारतीय जनता पार्टी का सलूम्बर में फिर से बोर्ड बनेगा और अच्छे मतों से बनेगा और कम से कम हम 15 से 20 बार सलूम्बर में जीत के आएंगे, ये हमारी पूरी कल्पना हमारी। जैसे आप दावा करें भाजपा का बोर्ड बनेगा, तो आपका चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन जो भी संगठन निर्णय करेगा उस पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा और हमेशा जो संगठन निर्णय करता है उसी पे हमारा काम होता है और हम संगठन में विश्वास करते हैं, हम संगठन से हम चुनाव लड़ रहे हैं और संगठन जो हमें आदेश करेगा उसकी हम पालना करेंगे, वही हमारा चेयरमैन रहेगा। सर हम बता दें संगठन की बात करें तो संगठन एक जमीनी लेवल के कार्यकर्ता को तवज्जो देता है या संगठन या पैराशूट उतार के फिर करेगा? हमारे यहाँ को पैराशूट नहीं उतरते हैं हम, जो जमीन से कार्यकर्ता हैं। मैं भी आज 33-35 साल से बीजेपी का हूँ और मुझे भी समर्थन दिया और मुझे टिकट दे के इसमें चुनाव लड़ रहे रमाकांत जी भाई साहब हमारे, हम जितने भी पुराने हैं जो सभी लड़ रहे हैं, नए को भी मौका देना ही पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हर आदमी संगठन से ऊपर से लगा के नए को भी मौका देते हैं, पुराने को भी मौका देते हैं, इसमें किसी प्रकार का हमारे कोई अंतकलन नहीं है और हम भेदभाव नहीं किसी भी प्रकार का, हम एक साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद साहब। हमने बात करी वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी प्रभुलाल जैन से, इन्होंने दावा किया कि हमारे भाजपा की सरकार बनेगा और जो संगठन तय करेगा वही चेयरमैन होगा। धन्यवाद।